देश के पूर्वी हिस्सों में एक बार फिर जानलेवा आंधी तूफान का कहर। बिहार, झारखंड और यूपी में आंधी तूफान की वजह से 31 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में 12 और झारखंड में भी 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि यूपी में आंधी तूफान से 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार के गया, कटिहार, औरंगाबाद में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यूपी के उन्नाव, रायबरेली में भी आंधी तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। बिहार में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत हो गई है। गया के खिजरसराय प्रखंड में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं कटिहार में कोड़ा प्रखंड में तूफान में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि औरंगाबाद में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में भी आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में करीब 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 28 लोग बिजली गिरने से झुलस गए हैं। लगातार 2 दिन से आ रहे आंधी तूफान की वजह से कई जिलों में बिजली गुल है। राजधानी रांची के इलाके में भी 30 घंटे से बिजली नहीं है। यूपी में एक बार फिर आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। उन्नाव जिले में तूफान और बिजली गिरने की घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। कल शाम यहां आया आंधी तूफान की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, जबकि कई घर तबाह हो गए। वहीं रायबरेली में आंधी तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले आए आंधी तूफान में अकेले यूपी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। देश के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। कल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बेहद गर्मी रही। यहां खजुराहो में 48.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी तापमान 45 डिग्री के पार है। लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल 16 पैसे महंगा हो गया है, जबकि डीजल के भाव 14 पैसे और बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 78.43 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम 86 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ने की वजह से अब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। खुदरा मंडी में आलू के दाम 5 से 7 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। तेल के भाव बढ़ने की वजह से ढुलाई का किराया बढ़ गया है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आलू 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आलू कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल आलू की बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी, जिस डर से किसानों ने आलू की खेती कम की है। इस वजह से भी आलू के दाम बढ़े हैं। देश में पिछले 2 हफ्तों से हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोल डीजल की तस्करी का नया धंधा शुरू हो गया है। नेपाल में भारत के मुकाबले पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है, इसलिए सीमावर्ती लोग बड़े पैमाने पर नेपाल से पेट्रोल डीजल भारत ला रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों जैसे बहराइच, रक्सौल और सीतामढ़ी में तेल तस्करी के अवैध कारोबार का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। नेपाल में पेट्रोल 66 से 68 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि भारत में पेट्रोल 86 रुपए के पार पहुँच चुका है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर पाकिस्तान को चेताया है। बोली, पाकिस्तान से बातचीत का विकल्प खुला है, लेकिन आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। मानसरोवर झील में श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगाने की खबरों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सफाई। बोली, मानसरोवर में कोई स्नान पर रोक नहीं है, लेकिन आप कहीं भी डुबकी नहीं लगा सकते। मानसरोवर झील में इसकी जगह तय है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं ने शिकायत की थी कि चीनी अफसर उन्हें मानसरोवर झील में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जाएंगे। उनके इस दौरे का मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाना है। मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे और राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ अगले दिन जकार्ता में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आरएसएस ने अपने 800 नए प्रचारकों की ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसे समारोह को संबोधित करने के लिए बुलाया है। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक 7 जून को नागपुर में होने वाले इस कार्यक्रम में आ सकते हैं प्रणब मुखर्जी। तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्टरलाइट का कॉपर प्लांट हमेशा के लिए बंद होगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पनीर सेल्वम ने किया ऐलान। स्टरलाइट प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन में 14 लोगों की मौत हुई थी। आज शाम 4 बजे CBSE 10वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। करीब 16 लाख बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी है। CBSE 10वीं के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in पर जारी किए जाएंगे। CBSE के 12वीं के नतीजे 16 मई को ही घोषित किए जा चुके हैं। CBSE 2018 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में दुनिया भर से 28 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था। ये है ABP News, आपको रखे आगे।